Now, we'll start with the first part of your brain that can be called forebrain. And forebrain, the first part will be olfactory lobes. Okay, so when you talk about these olfactory lobes, simple such is, I can say that small and paired structures. Chote size ke hota hai? Okay, paired matlab do olfactory lobes present hai. Okay, and they are completely covered by cerebrum from the dorsal side. डॉर्सल मतलब आपकी ब्रेन की जो ऊपर की साइड है उस साइड से इन ऑल्फैक्टरी लोब्स को पूरी तरह सेरेब्रम ने कवर करके रखा है. दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द ऑल्फैक्टरी लोब यू हैव टू टेक द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन. अगर आप ब्रेन का डॉर्सल व्यू देख रहे हैं या उसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि उनको ऊपर से पूरी तरह सेरेब्रम ने कवर करके रखा हुआ है. अगर आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स को ऑब्जर्व करना है तो आपको ब्रेन को वेंट्रल मतलब लोअर साइड से देखना पड़ेगा. और रफली अगर हम स्टडी करते हैं तो मान लो कि ये आपके ब्रेन का एक हेमिस्फीयर है और ये दूसरा हेमिस्फीयर है, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स एक्चुअली आपको ऐसे दिखेंगे. ये आपका ऑल्फैक्टरी लोब है और ये दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब है. सो दीज आर ऑल्फैक्टरी लोब्स. आई कैन से दैट ये अंडरस्टैंडिंग से इतना बड़ा ड्रॉ किया हमने. हर ऑल्फैक्टरी लोब को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. उसमें जो पहला पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब. हम बोल सकते हैं दिस इज एंटीरियर एंड स्वलन पोर्शन. एंटीरियर मतलब ये पहला पार्ट है और थोड़ा सा ब्रॉड मतलब स्वलन दिख रहा है. ऐसे एंटीरियर स्वलन पोर्शन को आपको नाम देना है ऑल्फैक्टरी बल्ब. और ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ओके, आई कैन कॉल दिस पार्ट एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. सो वी कैन से दिस इज अ पोस्टेरियर नैरो पोर्शन. सो जो पोस्टेरियर नैरो पार्ट है उसको बोलना है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. जो एंटीरियर स्वोलन पोर्शन है उसको बोलना है ऑल्फैक्टरी बल्ब. और फाइनली आपको इसका पता होना चाहिए फंक्शन. एक ही फंक्शन है, बहुत सिंपल है. ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल. सो दिस ऑल्फैक्टरी लोब्स आर रिलेटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल. ये आपके सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करते हैं. लेकिन कंसेप्ट ये है कि मैंने बताया कि हमारे ब्रेन में इनका साइज जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल होते हैं. इसीलिए ह्यूमंस हैव अ पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो पुअरली डेवलप है ड्यू टू स्मॉल साइज्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, नेम ऑफ द पार्ट इज सेरेब्रम. सो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आपको ये याद रखना है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. आपके ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रम. इट फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% वेट ऑफ द ब्रेन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको आपके ब्रेन का जो एवरेज वेट होता है 1300 टू 1400 ग्राम्स के आसपास है. उसमें से 80 to 85% वेट जो होता है वो अकेले इस पार्ट से बना हुआ है, सेरेब्रम से. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. नाउ व्हाट वी कैन डिवाइड दिस सेरेब्रम इंटू टू हेमिस्फीयर्स. यहां पर मैंने डायग्राम शो किया हुआ है. तो ये पूरा एक हेमिस्फीयर है आपके सेरेब्रम का और ये दूसरा हेमिस्फीयर है. और दोनों हेमिस्फीयर के बीच में ये जो एक सेपरेशन यहां पे आपको दिख रहा है, दिस सेपरेशन कैन बी कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फीशर. सो इसके ऊपर क्वेश्चन हम बहुत बार पूछा गया है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो सेपरेशन होता है उन सेपरेशन को आपको क्या बोलना है. द आंसर शुड बी लॉन्गिट्यूडिनल फीशर. एंड द पॉइंट इज ये दोनों के दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स. नर्व फाइबर का मतलब न्यूरोन. तो एक हॉरिजॉन्टल बैंड होता है नर्व फाइबर्स का जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. ये जो कनेक्शन वाला पार्ट है इसको आपको नाम देना है कॉर्पस कैलोजम. सो दो कंसेप्ट है. अगर हेमिस्फीयर्स के बीच में सेपरेशन पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल फीशर. और अगर हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्पस कैलोजम. ना अभी ये जो हर हेमिस्फीयर है उसमें ये जो पेरिफेरल पोर्शन है जो मैं यहां पर डॉटेड पोर्शन से शो कर रहा हूं, दिस कैन बी कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. मैंने पहले ही बोला था कि आपके ऑर्गन्स के पेरिफेरल पार्ट को जनरली हम कॉर्टेक्स बोलते हैं. तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे. जो पेरिफेरल पार्ट है हर हेमिस्फीयर का दोनों साइड से, ओके, उसको आपको बोलना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स. यहां पे लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द कॉर्टेक्स. एंड द इनर रीजन कैन बी कॉल्ड मेड्यूला. इसका जो अंदर का पार्ट होगा इसको आपको मेड्यूला बोलना है. वी कैन कॉल इट एज अ सेरेब्रल मेड्यूला. नाउ दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज जनरली कंसिस्टिंग ऑफ ग्रे मैटर
एंड मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर. सो ये भी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है और आपका जो मेडुला होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाइट मैटर. ये जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का कंसेप्ट है मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था, एक बार उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इस कॉर्टेक्स को ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉर्टेक्स ऐसा स्मूथ नहीं है, इट इज शोइंग फोल्डिंग्स, इस तरह के फोल्डिंग्स आपको मिलेंगे. तो सिंपल सा चीज है, यहां पर हम बोल सकते हैं दीज आर द रिजेस, ये एक रिज की तरह दिख रहा है. और अगर ये पोर्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे सो वी कैन से दीज आर द डिप्रेशंस, ये डिप्रेशन की तरह दिख रहा है. ऑल द रीजेस आर कॉल्ड गायराय, सिंगुलर इज गायरस, एक ही अगर होगा तो उसको आपको गायरस बोलना है. ऐसे बहुत सारे हैं तो प्लूरल फॉर्म में हम उसको गायराय बोलेंगे. और जितने भी डिप्रेशंस आपको दिख रहे हैं दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड सल्काय, सिंगुलर वर्ड इज सल्कस, एक ही होता है तो उसको सल्कस बोलेंगे हम, प्लूरल फॉर्म में आपको उसको सल्काय बोलना है. तो ये जो गायराय और सल्काय होते हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस और आईक्यू ऑफ एनी पर्सन. मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां पे है, ये जितना आपके ब्रेन में ग्रे मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, आई रिपीट जितना ग्रे मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतने ये फोल्डिंग्स भी ज्यादा होंगे, और जितने फोल्डिंग ज्यादा होंगे उतना गायराय और सल्काय का नंबर बढ़ेगा, शायद उतना ही ज्यादा आपका आईक्यू हो सकता है. मतलब आपका जो आईक्यू होता है ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन में गायराय और सल्काय का पैटर्न कैसा है. ये हर एक के ब्रेन में अलग अलग होते हैं और ये गायराय और सल्काय जो होता है दिस विल डिटरमाइन योर आईक्यू. नाउ पॉइंट इज देयर आर सम मासेस ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड इन द व्हाइट मैटर, ये आपका अंदर का व्हाइट मैटर है और यहां पे आपको कुछ ग्रे मैटर के मासेस मिलेंगे लाइक दिस. ओके, दीज आर आइदर कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज बेसल गैंग्लिया. ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मासेस ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड इन द व्हाइट मैटर दे कैन बी कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया. सो सेरेब्रम में मैंने पहले बताया आपको लार्जेस्ट पार्ट है, इट फॉर्म्स 80-85% वेट ऑफ द ब्रेन. उसके बाद इसको हमने दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ये जो आपके हेमिस्फीयर्स के बीच में एक सेपरेशन होता है इसको हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूडिनल फीशर. दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में एक कनेक्शन है, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. हर हेमिस्फीयर के पेरिफेरल पार्ट को हमने नाम दिया है कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर. द इनर रीजन कैन बी नोन एज मेडुला विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर. आपने बताया कि सर कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स के अंदर जो रीजेस होते हैं उनको आपको बोलना है गायराय और जो डिप्रेशंस होते हैं उनको बोलना है सल्काय. वापस मैंने बताया कि अगर ग्रे मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उतने फोल्ड्स की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी. और ये जो गायराय और सल्काय है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर आईक्यू और इंटेलिजेंस. एंड फाइनली आई एम सेइंग दैट देयर आर मासेस ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड इन व्हाइट मैटर, दीज आर कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लिया. नाउ we are interested in the next part that are called lobes of cerebrum. So अभी आपने बताया कि सर cerebrum के अंदर दो hemispheres हैं और हर hemisphere को हम चार अलग अलग lobes में divide कर सकते हैं by three different sulci. यहां पे अभी आपको sulcus का meaning लेना है separation. So my point is your cerebrum can be divided in four lobes by three different sulci. So ये कौन से हैं? बहुत simple है. यहां पे ये जो portion आपने show किया है This can be called as frontal lobe. ये आपका पहला लोब है सेरेब्रम का जिसको हम बोल रहे हैं फ्रंटल. सो वी कैन से दैट दिस इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड, फ्रंट साइड में ये प्रेजेंट होता है. द सेकेंड वन इज कॉल्ड, ये जो आप दिख रहा है आपको, दिस कैन बी कॉल्ड पराइटल लोब विच इज प्रेजेंट ऑन योर मिडिल टॉप ऑफ द ब्रेन. देन दिस नेक्स्ट वन इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब विच इज प्रेजेंट अबव द ईयर्स, मतलब आपके कान के ऊपर एग्जैक्टली जो आपके ब्रेन का पार्ट है दोनों साइड में, ये होगा आपका टेम्पोरल लोब. और आपकी ब्रेन की जो पीछे की साइड है दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल लोब. सो ये चार लोब आपको याद रखने हैं. यहां पे मैंने बताया फ्रंट साइड पे एंटीरियर साइड पे है फ्रंटल लोब, मिडिल टॉप पे आपका प्रेजेंट है पराइटल लोब, अबव द ईयर्स यू विल गेट अ टेम्पोरल लोब एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीपिटल लोब. आई विल गो टू द सल्काय और सेपरेशंस. यहां पे दिख रहा है आपको ये फ्रंटल और पराइटल लोब है, इन दोनों के बीच में यू विल गेट सेंट्रल सल्कस. फ्रंटल और पराइटल लोब के बीच में जो सेपरेशन होगा इसको आपको सेंट्रल सल्कस बोलना है. उसके बाद पराइटल एंड टेम्पोरल, इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन दिख रहा है आपको यहां पे, दिस इज कॉल्ड लैटरल सल्कस. आई रिपीट दिस इज बिटवीन पराइटल एंड टेम्पोरल लोब. एंड फाइनली पराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में यहां पे एक सेपरेशन आपको दिखेगा
Okay, this is called parieto-occipital sulcus. So, total 4 lobe hai, frontal, parietal, temporal and occipital. Uske baad, frontal aur parietal ke beech mein hai central sulcus, parietal and temporal ke beech mein hai lateral sulcus and parietal and occipital. In dono ke beech mein aapko milega parieto-occipital sulcus. Now we'll go for the functions of cerebrum. Abhi aapne jo part study kiya cerebrum, uske exactly functions kya hota hai, wo humko study karna hai. To, isme sabse pehla point aapko yaad rakhna hai. The cerebrum will control all the voluntary activities of the body. Aapke body ke jitne bhi voluntary activities hai, ye sare ke sare voluntary. Voluntary matlab the activities which are under the control of your will. Jo aapke will ke control mein hai, aise activities ko hum voluntary activities bolte hai. They are all under the control of a part called cerebrum. Then, ye jo aapka cerebrum hai, it is controlling the sense of taste, the sense of smell, the sense of hearing, as well as the sense of vision. Matlab jitne bhi aapke senses hai, taste ka sense hoga, smell ka hoga, hearing ka hoga, ya fir sense of vision. All these senses are also controlled by cerebrum. This will control general sensations like touch, temperature, pain and pressure. Matlab jo general sensation hai, jaise touch ka feeling hoga, या फिर टेम्परेचर. यहां पे आपको मीनिंग लेना है कि अगर कोई भी चीज आप खा रहे हो या उसको फील करने की कोशिश करते हो, आपको पता चलता है कि वो ठंडी है या गर्म है. तो ये जो टेम्परेचर का सेंस है, ये भी सेरेब्रम से आता है. उसके बाद है पेन एंड फाइनली प्रेशर. ये सारे के सारे सेंसेस जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम. इट ऑल्सो कंट्रोल्स इमोशंस लाइक लाफिंग एंड क्राइंग. मतलब आप जब हंसते हो, रोते हो, ये सारी चीजें जो है, ये ब्रेन के इस पार्ट से कंट्रोल होती है. दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम. नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी कैन से दैट, अभी थोड़ी देर पहले, और सॉरी उसके पहले हम एक और चीज देखेंगे. The cerebrum will control your memory. It is going to control the process of learning. It will control your intelligence. It will control your concentration. It will control problem solving abilities. And it will also control your judgment. Ye sare ke sare cheeze jo hai, they are all under the control of cerebrum. I repeat, aapka memory hai, aapka jo learning ka process hai, aapka intelligence hai, aap kis tarah concentrate kar paate ho, concentration ki ability. Problem solving abilities का मतलब ये नहीं लेना है कि आपके maths और physics के problems कैसे solve करते हो. You can say that the problems in your day-to-day life, आपके day-to-day life की जो problems है, वो handling में आपको brain का ये part मदद करता है, that is called cerebrum. और आपका जो judgment है, ये सारी चीजें जो है, they are under the control of a part called cerebrum. Now we'll go, आपके brain में, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि sir, there is a frontal lobe. और इस frontal lobe के अंदर, there is a presence of one special part, और एक छोटा सा area होता है, which is called Broca's area. Broca actually scientist ka naam hai. Isne ye part pehli baar discover kiya hai. That's why the name given is Broca's area. The function is, it convert your thoughts into speech. Aapke jo thoughts hai usko speech mein convert karne ka kaam, this is done by Broca's area. We can say that this area controls the movement of your lips, the movement of tongue, and finally it will control the movement of your vocal cords or larynx. मतलब आपके जो लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, उन वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट, आपके टंग की मूवमेंट और लिप्स की मूवमेंट, ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम जो है, दैट इज डन बाय ब्रोकास एरिया. अगर आप जाएंगे आपके पराइटल लोब में, तो दिस पराइटल लोब हैज वन मोर एरिया. इसको आपको नाम देना है वेरनाइकेज एरिया. नाउ दिस वेरनाइकेज एरिया हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच. मतलब सामने वाला जो बात कर रहा है, वो समझना अगर होगा आपको, तो ब्रेन का ये पार्ट काम करेगा, वेरनाइकेज एरिया. अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आता है वेरनाइकेज एरिया से, वो होता है आपके पैराइटल लोब में. सो सिंपल सा चीज है, अगर अभी आप लेक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो और मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे ब्रेन का ब्रोकास एरिया काम कर रहा है. मतलब मैं मेरे थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूं. और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली आपके ब्रेन का ये एरिया काम कर रहा है, वेरनाइकेज एरिया, विच इज हेल्पिंग इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, लैंग्वेज एज वेल एज रीडिंग. नाउ लास्ट में अगर हम देखते हैं, आपने बताया कि सर ब्रेन सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर है, हम इसको कंसिडर करेंगे राइट हेमिस्फीयर एंड व्हाट लेफ्ट हेमिस्फीयर. योर लेफ्ट हेमिस्फीयर विल बी द सेंटर फॉर मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड रीजनिंग. मतलब आपका जो मैथमेटिक्स है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, या फिर आपने शायद कुछ देखा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो ये सब लॉजिक और रीजनिंग के अंदर आता है. तो ये सारी चीजें जो है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन. जो राइट हेमिस्फीयर होता है, इट विल बी द सेंटर फॉर आर्ट, देन इमेजिनेशन, देन क्रिएटिविटी
एंड अवेयरनेस अबाउट द म्यूजिक. मतलब अगर आपके पास कोई आर्ट है, अच्छा पेंटिंग कर रहे हो, अच्छा ड्राइंग कर रहे हो, तो ये जो आपका आर्ट है उसके बाद आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो क्रिएटिविटी है और जो म्यूजिक का अवेयरनेस है, दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ राइट हेमिस्फीयर. तो आपको सेरेब्रम के फंक्शंस में इतने सारी चीजें याद रखनी है. सबसे पहले तो मैंने बताया इट विल कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज, इट विल कंट्रोल द सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एज वेल एज विजन, इट विल कंट्रोल द जनरल सेंसेशन लाइक टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर, एज वेल एज द इमोशंस लाइक लाफिंग एंड क्राइंग. Then it is going to control your memory, learning, intelligence, concentration, problem solving abilities and judgment. मैंने बताया frontal lobe के अंदर there is a presence of Broca's area which is going to convert the thoughts into speech. Then it will control the movement of lips, tongue and your vocal cords. And finally the parietal lobe having the Wernicke's area which helps in understanding of speech, reading as well as language. Left hemisphere will be the center for mathematics, logic and reasoning. While right hemisphere will be the center for art, imagination, creativity and awareness about the music. So this is all about the concept of functions of cerebrum. Now we'll go for the next part of your forebrain. Name of the part is diencephalon. यहाँ पे हमने diagram show किया हुआ है. We can say that this is LS of brain. Longitudinal section हमने लिया है brain का. और इस LS को अगर आप observe कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको diagram को observe करना है. ये जो portion यहाँ पे show किया हुआ है, actually this is corpus callosum. ये आपका corpus callosum है और यहां पे कहीं तो भी आपको थोड़ा सा ये imagine करना पड़ेगा. ये जो dotted portion में show कर रहा हूं, okay, this is your midbrain. ये आपका midbrain है. तो जैसे आप brain को divide करेंगे तो ये ऊपर वाला portion जो है, this is your forebrain. ये आपका forebrain है. उसके बाद यहां पे आपका ये midbrain है और ये जो नीचे वाला portion आपको दिख रहा है, this is your hindbrain. इस तरह आपको डिवाइड करना है. बहुत बार हम सोचते हैं कि सर ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ऐसा नहीं है. अगर एलएस हम देख रहे हैं ब्रेन का, तो अगर आपको जाना है तो ये ऊपर का पूरा पोर्शन जो होगा ये होगा फोर ब्रेन, ये यहां पे होगा आपका मिड ब्रेन और ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये होगा आपका हाइंड ब्रेन. सो सिंपल है, मिड ब्रेन के ऊपर और कॉर्पस कैलोजम के नीचे. यहां पर एक ऐसा बॉक्स में ड्रॉ करूंगा, ये शायद आपको दिख रहा होगा. ये जो बॉक्स है यहां पर, we can say that this is your diencephalon. So pehla point kya yaad rakhenge aap yahan pe, this diencephalon is present ventral to corpus callosum. Ventral ka matlab maine bataya tha lower, matlab corpus callosum ke niche ka portion, and dorsal to midbrain. Midbrain ki dorsal side matlab upar ki side. To ye midbrain hai, uske upar ke side mein ye jo structure hai usko aapko naam dena hai diencephalon. Jab aap diencephalon ko study karenge, तो यू हैव टू स्टडी इट लाइक अ बॉक्स. अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आपको ऐसे ही स्टडी करना है. मतलब मान लो कि ये अगर आपका डायनसेफेलॉन है, तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ये आपके डायनसेफेलॉन का रूफ है. यहां पे ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर द साइड वॉल्स, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है, वी कैन से दैट दिस इज अ फ्लोर. मतलब नीचे का पोर्शन है. तो इसको हर एक को हम नाम देंगे. The roof of diencephalon can be called epithalamus. The walls are called thalami. Singular is thalamus. एक ही अगर होगा तो thalamus बोलते हैं. दो walls present है यहां पर, इसलिए उसको plural form में हमने thalami बोला है. And the floor is called hypothalamus. So we can say that your diencephalon is further divided in three parts. तीन parts में divide करना है आगे. पहला part है आपका epithalamus, दूसरा part है आपका thalami, and the last one is called hypothalamus. Now पॉइंट इज, ये जो आपका पहला पार्ट है, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. इपीथैलेमस विच इज अ रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का रूफ है. और इस इपीथैलेमस के अंदर, यहां पे लिखता हूं, दिस इपीथैलेमस कंटेन्स टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स. इसके अंदर जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीनियल बॉडी. पीनियल बॉडी मिलेगा यहां पर आपको. और दूसरा जो पार्ट होगा दैट आर कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस, या एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस भी बोल सकते हो. This pineal body, initially it was considered as a vestigial organ of the body. मतलब ऐसे organ जो body में present होते हैं लेकिन functionless होते हैं. लेकिन फिलहाल एक research ऐसे बोलता है that this pineal body is functional and actually it act as an endocrine gland. ये आपके body का एक endocrine gland है which produces two different hormones. The first hormone is serotonin and the second hormone is melatonin. Now serotonin will control the metabolic activities. सेरोटोनिन आपके बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, एंड मेलाटोनिन विल कंट्रोल बायोलॉजिकल रिदम. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बायोलॉजिकल रिदम का मतलब लेना है आपका स्लीप एंड वेक साइकिल.
मतलब आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करती है, आपको कब नींद आने वाली है, कब आप नींद से जागने वाले हो, ये जो चीज होता है इसको हम बायोलॉजिकल रिदम बोलते हैं। तो ये कंट्रोल करने का काम जो होता है वो मेलाटोनिन का होगा, सिंपल सा चीज है। सो मेलाटोनिन विल कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिदम, सेरोटोनिन इज गोइंग टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये जो आपके कोरोइड प्लेक्सस होते हैं दे आर गोइंग टू सीक्रेट सीएसएफ, जिसको हमने बोला है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक्चुअली ये कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं वो दो आपको मिलेंगे, एक होते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस और दूसरे होते हैं पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, दीज एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस आर फाउंड इन इपिथैलेमस और डायन्सेफेलॉन, और ये जो पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस होते हैं दे आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कॉल्ड मिडिल ऑब्लोंगेटा। दोनों का लोकेशन पूछा जा सकता है, आई रिपीट, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस आर फाउंड इन इपिथैलेमस, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस आर फाउंड इन मिडिल ऑब्लोंगेटा। दोनों का फंक्शन सेम है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सीएसएफ, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इपिथैलेमस। नाउ इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है आपका दैट इज कॉल्ड थैलेमाइन, वी कैन से दीज आर द वॉल्स ऑफ डायन्सेफेलॉन, डायन्सेफेलॉन के वॉल्स है। और पॉइंट ये होता है, ये जो आपका थैलेमस है दिस इज कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के हर पार्ट को कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्शन बनाने वाली सिस्टम है इसको आपको नाम देना है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट में रास बोलते हैं, फुल फॉर्म इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैं बोल रहा हूं इस सिस्टम की मदद से आपका जो थैलेमस होता है ये आपके ब्रेन के हर एक पार्ट को कनेक्टेड होगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमाइन हियर, एक्चुअली इट एक्टिवेट प्रॉपर पार्ट ऑफ द ब्रेन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, मतलब जो भी सिग्नल या स्टिमुलस आपको ब्रेन को मिल रहा है उस स्टिमुलस के हिसाब से ब्रेन के प्रॉपर पार्ट को एक्टिवेट करने का काम थैलेमस का होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपको कोई साउंड सुनने को मिला या साउंड सुन रहे हो आप, तो एक्चुअली ये साउंड इज परसीव बाय टेम्पोरल लोब, ये जो साउंड का परसेप्शन होता है ये टेम्पोरल लोब से होता है। तो एक्चुअली साउंड तो सबसे पहले स्ट्राइक करेगा थैलेमस के ऊपर और थैलेमस उसको डायरेक्ट करेगा या भेज देगा आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब में। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेंस ऑफ विजन, एक्चुअली दिस इज कंट्रोल बाय ऑसिपिटल लोब, ये ब्रेन का ऑसिपिटल लोब कंट्रोल करता है पीछे के साइड से। सो अगर कोई भी इमेज या फिर कोई भी पिक्चर अगर आपको दिख रहा है तो वो पहले तो थैलेमस के ऊपर स्ट्राइक करने वाला है और फिर ये स्टिमुलस को आपका थैलेमस जो होगा वो ऑसिपिटल लोब तक भेजेगा और फिर आपको वो प्रॉपर परसेप्शन मिलने वाला है, मतलब आने वाले सिग्नल्स को प्रॉपर डायरेक्शंस दिखाने का काम जो है ब्रेन में दिस इज डन बाय योर थैलेमाइन। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन कॉल इट एज अ गेट कीपर ऑफ सेरेब्रम, इस थैलेमस को पॉपुलरली सेरेब्रम का गेट कीपर बोला जाता है। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है तो अगर आपको बिल्डिंग में एंट्री करनी है कहां पे एग्जैक्टली जाना है वो आपको गाइड वहां पे वॉचमैन करता है, वैसे ही आपके ब्रेन में हर सिग्नल को गाइड करने का काम जो होता है वो थैलेमस का है। एक और चीज आपको याद रखनी है, ऑलमोस्ट ऑल द सेंसरी स्टिमुलाई, मतलब जितने भी सेंसरी स्टिमुलस होते हैं दे ऑल पासेस फ्रॉम थैलेमस एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार, मतलब जितने भी स्टिमुलस है वो सारे के सारे थैलेमस से होके गुजरते हैं लेकिन एक ही स्टिमुलस ऐसा है ऑल्फैक्टरी, मतलब मैंने बताया था सेंस ऑफ स्मेल, ये जो स्मेलिंग वाला स्टिमुलस है ये सीधा ऑल्फैक्टरी लोब के ऊपर जाता है, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू थैलेमस, ये थैलेमस से पास नहीं होगा, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। और फाइनली हम जाएंगे आपके लास्ट पार्ट में, मतलब ये जो आपका लास्ट पार्ट है जिसको आपने नाम दिया हाइपोथैलेमस, वी कैन से दिस इज अ फ्लोर ऑफ डायन्सेफेलॉन। नाउ एक्चुअली होता क्या है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन, इस हाइपोथैलेमस से एक डाउनवर्ड एक्सटेंशन बनेगा, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम, इस एक्सटेंशन को आपको इन्फंडिबुलम बोलना है। नाउ दिस इन्फंडिबुलम हैज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी इन्फंडिबुलम को आगे आपका पिट्यूटरी अटैच होता है। नाउ ये जो आपका हाइपोथैलेमस है इसका फंक्शन है टू कंट्रोल होमियोस्टेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपका जो बॉडी का एक्चुअली होमियोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट। आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छी आदत है कि वो हर चीज को एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करती है। दो एग्जांपल लेंगे हम यहां पे, पहला है आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बनाए रखना इसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। और शायद आपने पढ़ा होगा मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स, आपके बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस जो मेंटेन होता है इसको बोला जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। सो एक्चुअली ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन बोथ आर द पार्ट्स ऑफ होमियोस्टेसिस, और इसको मेंटेन करना दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर हाइपोथैलेमस।
सो सिंपल सा चीज है, ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है, ये आपके हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। यहां पे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि थर्मो का मतलब आ जाता है टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सेंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब कोई चीज अगर ठंडी है या गर्म है, दिस सेंस इज प्रोवाइडेड बाय सेरेब्रम, ये पूरी अलग चीज है। और आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना 37, जिसको हम बोल रहे थर्मो रेगुलेशन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ आगे आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, सो वी कैन से दैट हाइपोथैलेमस हैज द सेंटर्स फॉर हंगर, सेंटर फॉर थर्स्ट, सेंटर्स फॉर सेटिस्फैक्शन, देन द सेंटर्स फॉर स्लीपिंग, उसके बाद आते हैं आपके सेंटर्स फॉर स्वेटिंग, उसके बाद लव, हेट एंड एंगर, मतलब ये सारे जो इमोशंस है, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किसी चीज से आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो, आपका स्लीपिंग का सेंटर, स्वेटिंग, लव, हेट, एंगर, ये सारे के सारे जो सेंटर्स है दे आर ऑल एंड ऑल लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। सो ये इतना पार्ट आपको डायनसेफेलॉन के बारे में पता होना चाहिए। आई रिपीट, आपने डायनसेफेलॉन को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से पहला पार्ट था आपका इपिथैलेमस, दूसरा पार्ट था थैलेमाई और लास्ट वाला पार्ट था हाइपोथैलेमस। आपने बताया सर इपिथैलेमस इज अ रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, इपिथैलेमस कंटेन्स टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पीनियल बॉडी एंड कोरोइड प्लेक्सस। पीनियल बॉडी इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दो हार्मोन बना रही है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, मेलाटोनिन बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब स्लीप एंड वेक साइकिल। उसके बाद आपने बताया कि सर दूसरा पार्ट था कोरोइड प्लेक्सस विच सीक्रेट सीएसएफ, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस आर फाउंड इन इपिथैलेमस। देन आफ्टर द वॉल्स ऑफ डायनसेफेलॉन आर कॉल्ड थैलेमाई, ये दूसरा पार्ट था। ये थैलेमस जो होता है मैंने बताया ब्रेन के हर पार्ट को कनेक्टेड होगा बाय वन सिस्टम कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका काम होता है टू एक्टिवेट प्रॉपर पार्ट ऑफ द ब्रेन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज गेटकीपर ऑफ सेरेब्रम। एंड फाइनली लास्ट पार्ट आपने बताया हाइपोथैलेमस विच इज अ फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। इस हाइपोथैलेमस में से एक डाउनवर्ड एक्सटेंशन निकलेगा जिसको आपने नाम दिया इन्फंटिबुलम। इसी इन्फंटिबुलम को आगे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होगा। इसका सबसे मेन फंक्शन है होमियोस्टेसिस, दो एग्जांपल मैंने बताया थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एंड फाइनली द सेंटर्स फॉर हंगर, थर्स्ट, सेटिस्फैक्शन, स्लीप, स्वेटिंग, लव, हेट एंड एंगर, ऑल दीज सेंटर्स आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। सो सेम डायग्राम को रिपीट करेंगे यहां पे, अगर आप ब्रेन को देख रहे हो साइड व्यू से या फिर उसका लॉन्गिटल सेक्शन हमने लिया है, तो यहां पे आपका कॉर्पस कैलोजम है ये, और यहां पे मैंने बोला था ये आपका मिड ब्रेन है, डॉटेड पोर्शन यहां पे अगर शो कर रहे हैं, और ऊपर के साइड में हमने दिखाया था दिस इज योर डायनसेफेलॉन। सो आपने बताया था कि मिड ब्रेन के ऊपर डायनसेफेलॉन होता है, यहां पे आप अभी उल्टा करेंगे, डायनसेफेलॉन के नीचे आपका मिड ब्रेन होता है। सो वी कैन से दैट मिड ब्रेन इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का वेंट्रल मतलब लोअर साइड जो होता है, वहां पे आपको मिलेगा मिड ब्रेन। और जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा दिस मिड ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। इन दैट द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक लोब्स एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल, ये दो पार्ट्स है। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऑप्टिक लोब्स वी कैन से दैट स्मॉल राउंडेड एंड टू पेयर्स, छोटे राउंडेड लोब्स होते हैं, दो पेयर होते हैं ऑप्टिक लोब्स के। सो ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। सो इफ यू सी देयर आर टोटल फोर ऑप्टिक लोब्स, टोटल चार ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और इसी वजह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। सो यहां पे पॉइंट ये है, क्वाड्री का मतलब होता है फोर, सो एज देर आर फोर ऑप्टिक लोब्स इन द ह्यूमंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली पेयर है आई विल कॉल इट एज एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स, और ये जो नीचे वाला पेयर है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्स। सो द पॉइंट इज एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स आर कॉल्ड सुपेरियर कॉलिक्यूलाई एंड द पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्स आर कॉल्ड इंफेरियर कॉलिक्यूलाई। जो आपके एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स है उनको आपको बोलना है सुपेरियर कॉलिक्यूलाई, जो पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्स होते हैं उनको बोलना है इंफेरियर कॉलिक्यूलाई। ये जो सुपेरियर कॉलिक्यूलाई है दे कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस, और ये जो आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलाई होता है इट कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। सो सिंपल सा चीज है, आई कैन पुट आउट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आर कंट्रोलिंग विजुअल रिफ्लेक्सेस,
विजुअल रिफ्लेक्स का एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेंगे, सपोज अगर आप किसी टेनिस कोर्ट के सेंटर में बैठे हो जहां पे उसका नेट लगा होता है, और अगर टेनिस का मैच चल रहा है तो बॉल जो होता है वो कंटिन्यूअसली एक साइड से दूसरे साइड में हिट हो रहा है, उसी हिसाब से आपका हेड का भी मूवमेंट होता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉल इस साइड में हिट हुआ और आपका हेड का मूवमेंट ऐसा हो रहा है, मिसमैच नहीं होगा। जैसे ही बॉल की मूवमेंट हो रही है आपके आंखों के सामने, उसी हिसाब से आपके हेड के भी मूवमेंट होगी। सो आई कैन से दिस इज अ विजुअल रिफ्लेक्स, ये विजुअल रिफ्लेक्स है। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड साउंड। मतलब मान लो कि आप रस्ते से जा रहे हो और पीछे से किसी ने आवाज लगाई तो आप पीछे ही देखने वाले हो, आप आगे नहीं देखोगे कि कौन आवाज दे रहा है। तो सिंपल सा चीज है, जब कोई भी अनएक्सपेक्टेड साउंड आता है उसको आप जो रिस्पॉन्स देते हो, इस रिस्पॉन्स को आपको बोलना है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो सिंपल सा चीज है, एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स आर कॉल्ड सुपीरियर कॉलिकुलाई विच आर कंट्रोलिंग विजुअल रिफ्लेक्सेस, एंड पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्स आर कॉल्ड इंफीरियर कॉलिकुलाई विच आर कंट्रोलिंग ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, द नर्व फाइबर्स फ्रॉम ऑप्टिक लोब्स विल क्रॉस ईच अदर। ये जो आपके ऑप्टिक लोब्स में से आने वाले नर्व फाइबर्स है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और जहां पे वो क्रॉसिंग होता है दिस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड ऑप्टिक चायाज्मा। इस क्रॉसिंग के पॉइंट को आपको ऑप्टिक चायाज्मा बोलना है, और ये हो गया आपका पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक लोब्स। नाउ जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल। वापस यहां पे हम देखेंगे, ये आपका ब्रेन है, सपोज मान लो ये नीचे हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, ऊपर ही आपका फोर ब्रेन है और ये मिड ब्रेन है। यू कैन से देयर आर टू लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स के दो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब वर्टिकल बैंड होते हैं, ओके, इनको आपको बोलना है सेरेब्रल पेडंकल, और दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड क्रूरा सेरेब्राई। क्रूरा सेरेब्राई भी बोल सकते हो, और सिंपल है, दे एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन यूर फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम जो होता है दैट इज डन बाय क्रूरा सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडंकल। वी कैन ऑल्सो से दैट दे एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम जो होता है दैट इज डन बाय सेरेब्रल पेडंकल, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। नाउ we'll go for the last part of your brain that is called hind brain. So as I told you, hind brain ko aage aapko teen alag parts mein divide karna hai. The first part is called cerebellum, the second part is called pons veroli, and the last part is called medulla oblongata. Now we'll start with the first one, cerebellum. Yahan pe pehla point aapko ye dhyan mein rakhna hai, this is the second largest part of the brain. I told you the largest part of the brain was cerebrum. The second largest part is cerebellum, which is going to form approximately 11% of weight of the brain. मतलब आपके brain का जो total weight है, उसमें से 11% weight जो होता है, that is formed by cerebellum. Now the point is, मैंने बताया था कि आपके cerebrum का weight होता है 80-85%. मतलब अगर हम देखते हैं actually, तो आपके brain का 90-95% weight सिर्फ दो ही parts का बना हुआ है। उसमें जो पहला part है, वो है आपका cerebrum. ये cerebrum है पूरा आपका ऊपर के side में, और ये जो नीचे मैंने show किया है, this is your cerebellum. This cerebellum can be also called little brain or it can be also called laser brain. इसको आप little brain भी बोल सकते हो या फिर laser brain भी बोल सकते हो. And the point is, we can divide this cerebellum into three lobes. तीन lobe में इसको divide कर सकते हैं. ये जो side में आपको दिख रहे हैं, they are called cerebellar hemispheres. So दो cerebellar hemispheres होते हैं. While the middle lobe is called vermis. So सिंपल चीज है, मैंने बताया तीन लोब होते हैं, उसमें से लैटरल साइड में दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स है और जो मिडल लोब है, इस मिडल लोब को मैंने नाम दिया है वर्मिस। नाउ कुछ सिमिलैरिटी है विद सेरेब्रम, मींस अगर आप सेरेबेलम के हेमिस्फीयर को देखेंगे तो वापस द पेरिफेरल पार्ट कैन बी कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। इसके पेरिफेरल पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला, अंदर के पार्ट को आपको मेड्यूला बोलना है। वंस अगेन कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड मेडुला कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर। कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बना हुआ है और मेडुला जो होता है वो व्हाइट मैटर से बना हुआ है। जस्ट लाइक सेरेब्रम, इट ऑल्सो शोज द फोल्ड्स। सेरेब्रम की तरह इस सेरेबेलम के अंदर भी आपको फोल्ड्स मिलेंगे। दीज फोल्ड्स कैन बी कॉल्ड फोलिया, इन फोल्ड्स को आप फोलिया बोल सकते हो। और ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग्स आर जनरली फाउंड इन द वर्मिस। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो आप कि सेरेब्रम से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग जो होते हैं वो आपके इस वर्मिस लोब में आपको मिल सकते हैं। सो ये आपका सेरेबेलम के बारे में हो गया।
नाउ क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम. सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, द सेरेबेलम कंट्रोल्स वॉलंटरी स्केलेटल मसल मूवमेंट्स. आपके बॉडी में तीन टाइप के मसल्स है, एक होता है स्ट्राइटेड मसल या फिर स्केलेटल मसल्स जो आपके बोन्स को अटैच होते हैं, दूसरा होता है आपका स्मूथ मसल्स जो आपके विसरल ऑर्गन्स में है, और लास्ट वाले होते हैं कार्डियक मसल्स विच आर फाउंड इन द हार्ट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल्स. इनका जो मूवमेंट होता है वो वॉलंटरी है, मतलब जैसे मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, मतलब ये स्केलेटल मसल की वजह से हो रहा है. और ये एक्चुअली स्केलेटल मसल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम. सो इट विल कंट्रोल यूर बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर. मतलब जब आप चल रहे हो, जब आप बात कर रहे हो, जब आप भाग रहे हो, सो मसल मूवमेंट एट द टाइम ऑफ वॉकिंग स्पीकिंग रनिंग ये सारी चीजें, या फिर आपका बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेबेलम. ये सब सेरेबेलम के कंट्रोल में होगा. ये हो गया आपके हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट. नाउ डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो यहां पे ये सेरेबेलम था आपका, यहां पे ऊपर के साइड मैंने ये पोर्शन शो किया हुआ है. नाउ दिस पोर्शन इज नथिंग बट द पॉन्स वरोली. नाउ वी कैन से दैट दिस इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेरेबेलम एंड बिलो द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के एग्जैक्टली नीचे और सेरेबेलम के एग्जैक्टली ऊपर ये जो पोर्शन है इसको आपको बोलना है पॉन्स वरोली. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आपने दो पार्ट स्टडी किए, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, जहां पे आपने बताया कि सर व्हाइट और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट. अगर ऐसा हम स्टडी कर रहे हैं तो बाहर के साइड में था ग्रे मैटर और अंदर के साइड में था व्हाइट मैटर. मेरा पॉइंट यहां पे ये है, इन पॉन्स दिस अरेंजमेंट इज रिवर्स. मतलब पॉन्स के बाहर के साइड में आपको व्हाइट मैटर मिलेगा और पॉन्स की जो अंदर की साइड है यू विल फाइंड ग्रे मैटर. सो आई रिपीट, पॉन्स में आपके व्हाइट और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट कंप्लीटली अपोजिट होता है एज कंपेयर टू सेरेब्रम एंड व्हाट सेरेबेलम. और यहां पे एक और चीज इंटरेस्टिंग ये होती है, द नर्व फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रम एंड मिडिल ऑब्लोंगेटा, जो भी नर्व फाइबर्स है सेरेब्रम के और मिडिल ऑब्लोंगेटा के, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इन पॉन्स वरोली. सो ये भी पूछ सकते हैं, आई रिपीट, द नर्व फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रम एज वेल एज मिडिल ऑब्लोंगेटा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड पॉन्स वरोली. द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड डीकसेशन. जहां पे ये क्रॉसिंग हो रहा है उस पॉइंट को आपको डीकसेशन बोलना है. और इसी वजह से राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी. मतलब ये अपोजिट होता है, आपकी ब्रेन की जो लेफ्ट साइड है वो बॉडी के राइट साइड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, और जो ब्रेन का राइट साइड है वो बॉडी के लेफ्ट साइड के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. सो दिस इज ऑल ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डीकसेशन. और ये हो गया आपका अगला पार्ट, दैट इज कॉल्ड पॉन्स वरोली. फाइनली हम जाएंगे जो लास्ट पार्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो यहां पे कंसेप्ट ये है, सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आई कैन से दैट मिड ब्रेन, उसके बाद आपका पॉन्स वरोली, और ये लास्ट वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा. All these three structures are together called brain stem. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ब्रेन स्टेम कितने पार्ट से बना होता है. आपका आंसर होना चाहिए तीन पार्ट होते हैं. उसमें पहला पार्ट आता है आपका मिड ब्रेन, दूसरा पार्ट है पॉन्स वरोली, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा. वेन यू टॉक अबाउट दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 सेंटीमीटर का पार्ट है, विच इज द पोस्टीरियर मोस्ट रीजन ऑफ योर ब्रेन. आपके ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट है जिसको आपको बोलना है मेडुला ऑब्लोंगेटा. इफ यू सी द ब्रेन फ्रॉम द साइड सेक्शन, अगर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहां पे आपका, दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज एज अ स्पाइनल कॉर्ड. यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे स्पाइनल कॉर्ड की तरह कंटिन्यू करेगा या स्पाइनल कॉर्ड के तौर पर कंटिन्यू करने वाला है. मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी ग्रे और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट जो होता है विच इज वेरी मच सिमिलर टू द अरेंजमेंट इन द पॉन्स. मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर इनर साइड में आपको मिलेगा ग्रे मैटर और बाहर के साइड में आपको मिलेगा व्हाइट मैटर. आई रिपीट, अंदर ग्रे मैटर होता है और बाहर व्हाइट मैटर होता है. वेरी मच सिमिलर अरेंजमेंट, जस्ट लाइक अ पॉन्स वरोली. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट हैज द सेंटर्स फॉर नंबर ऑफ वाइटल फंक्शंस, या फिर वाइटल का मतलब लेना है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं. जस्ट लाइक आपका जो हार्ट रेट होता है या हार्ट बीट्स होते हैं, या फिर आपका जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के सेंटर्स होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में. इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस.
इट्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो स्मूथ मसल्स कैरी आउट करते हैं एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा वी कैन से दैट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ये सारी चीजें जो है ये जो है वाइटल सेंटर जो है दे आर ऑल एंड ऑल लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ वेरी स्मॉल इंजुरी टू दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन कॉज सडन डेथ. मतलब अगर आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा को थोड़ी सी भी इंजुरी होती है तो उसकी वजह से सडनली डेथ हो सकती है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे सारे वाइटल सेंटर है. सिंपल सा चीज है, थोड़ी भी अगर इंजरी हो गई तो शायद ये हार्ट रेट को या हार्ट बीट को स्टॉप कर सकता है या फिर ये आपके ब्रीदिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी. सिंपल. सो ये चीज ध्यान में रखनी है. और लास्ट पॉइंट आपको यहां पर यह याद रखना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज द सेंटर्स फॉर कफिंग, मतलब खांसी जो आती है, उसके बाद स्नीजिंग, उसके बाद द सेंटर्स फॉर यॉनिंग, उसके बाद आता है सेंटर्स फॉर हिकअप्स, देन आफ्टर सेंटर्स फॉर स्वैलोइंग. मतलब आपका कफिंग, स्नीजिंग, यॉनिंग, हिकअप्स, स्वैलोइंग, ये सारे जो सेंटर्स है एज वेल एज द सेंटर्स फॉर वॉमिटिंग, ये सारे के सारे सेंटर जो होते हैं दे आर ऑल लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. When you talk about your CNS, central nervous system, internally it is hollow. अंदर से उसमें कुछ empty spaces मिलेंगे आपको and it is filled with CSF. आपका जो CNS होता है वो generally जो hollow space होता है या फिर empty space होता है वो CSF से भरा हुआ है. So my point is, your brain and spinal cord, these are the two different parts. So brain will have some cavities which are called ventricles. Brain के अंदर जो cavities present होते हैं उन cavities को आपको ventricles बोलना है. सिमिलरली द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर कैविटी स्पाइनल कॉर्ड में होगी द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैन बी कॉल्ड सेंट्रल कैनल. सो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, इंटरनली यूर सीएनएस इज हॉलो एंड इट इज फील्ड विद सीएसएफ. हॉलो है मतलब उसके अंदर कुछ कैविटीज है. द कैविटीज ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स एंड द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज सेंट्रल कैनल. फिलहाल तो वी आर इंटरेस्टेड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. सो रिमेंबर वेल, इन यूर ब्रेन देर आर टोटल फोर वेंट्रिकल्स. डायग्राम शो किया हमने यहां पर, आपके ब्रेन में टोटल चार वेंट्रिकल्स होते हैं. इन दैट वेंट्रिकल नंबर वन एंड वेंट्रिकल नंबर टू, पहले जो दो वेंट्रिकल्स है दे आर टुगेदर कॉल्ड पैरासिल. दोनों को एक साथ मिला के आपको पैरासिल बोलना है. और दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल्स एंड दे आर फाउंड इन सेरेब्रम. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि लैटरल वेंट्रिकल्स ब्रेन के कौन से पार्ट में है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेरेब्रम. एंड द पॉइंट इज, ये जो आपके लैटरल वेंट्रिकल्स है they both open into third ventricle of the brain by one opening. This opening is called foramen of Monroe. Lateral ventricles third ventricle में open करेंगे, इस opening को आपको बोलना है foramen of Monroe. उसके बाद आएगा आपका brain का third ventricle. This third ventricle is called diocele. Third ventricle को आपको diocele बोलना है. From D you can remember this third ventricle is present in diencephalon. ये brain के इस part में होगा. एंड थर्ड वेंट्रिकल इज गोइंग टू ओपन इन द फोर्थ वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन करेगा, एक और ओपनिंग होगी यहां पे. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ईथर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस. दोनों नाम याद रखने आपको, या तो ईथर बोलो या फिर एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस बोलो. और फाइनली आएगा आपका फोर्थ वेंट्रिकल. द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेटासिल. वापस आपको यम से याद रखना है, दिस इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है. And this fourth ventricle will open into the spinal cord, which is central canal cavity. मतलब ये जो fourth ventricle है ये आगे central canal को connected होता है, okay, which is a cavity of a spinal cord. So ventricles of brain में आपको इतनी चीजें याद रखनी है. पहला point मैंने ये बताया कि आपका CNS अंदर से hollow है and it is filled with CSF. The cavities of the brain are called ventricles, while the cavity of spinal cord is called central canal. Now ये जो आपके ventricles होते हैं brain में, ये total चार है. उसमें से पहले दो वेंट्रिकल्स को आपने नाम दिया पैरासिल या फिर लैटरल वेंट्रिकल्स, विच आर प्रेजेंट इन सेरेब्रम. लैटरल वेंट्रिकल्स विल ओपन इनटू थर्ड वेंट्रिकल बाय वन ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो. द थर्ड वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायोसिल विच इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन में जो वेंट्रिकल होता है इट विल ओपन इन द फोर्थ वेंट्रिकल बाय वन ओपनिंग कॉल्ड ईटर और एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस. एंड फाइनली द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेटासिल विच इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. And this is going to open in the central canal of the spinal cord. And this is all about the concept of ventricles of the brain. And this is all about the first part of CNS that is called as brain. In the next lecture, we'll go for the second part that is called spinal cord.